हुए कपड़े से यात्रा शुरू की। रास्ते में वह एक बड़े जंगल में गया और उसे एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल दिखाई दिया। गुलाब की खुशबू उसे बहुत शांति देती थी। मोहब्बत की अहमियत। एक दिन की बात है, एक छोटा बच्चा ने दिल धरती की सफर करने के लिए रवा हुआ। इसने अपना बनावटी कपड़ा लेकर सफर शुरू किया। रास्ते में उसने एक बड़ी जंगल में जाकर एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब को देखा। गुलाब की खुशबू ने इसे बहुत परसुकूनी दी। बच्चा ने गुलाब के पास जाकर पूछा, तुम कैसे हो? गुलाब ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं ते कहूँ शुक्रिया। बच्चा ने पूछा, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से कोई आता है? गुलाब ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हर कोई जो मेरी खूबसूरती देखता है उसे खुशी मिलती है। बच्चा ने समझा कि हकीकत में खूबसूरती सिर्फ बज़ाहरी होती है, असल खूबसूरती तो अंदर की मोहब्बत और नेकियों में होती है। सफर जारी रहा और एक दिन बच्चा ने एक गरीब आदमी को देखा जो बहुत परेशान था। इसने गरीब को कुछ खाने के लिए पैसे दिए और उसकी मदद की। इस दिन के बाद बच्चा ने मोहब्बत की अहमियत समझ ली कि हकीकी खूबसूरती मोहब्बत और अमाल में है। इस कहानी से बच्चों को यह सबक सिखाया जाता है कि हकीकी खूबसूरती इंसान के अमाल और उसकी मोहब्बत में है, न कि सिर्फ बज़ाहरी शक्ल में।